हेलो फ्रेंड्स, गर्भधारण करना किसी भी महिला के लिए बहुत ही सुखद और खास अनुभव होता है, खासकर जब वो पहली बार मां बनने जा रही है। पहली बार मां बनने का एक अलग ही एहसास होता है और डर भी होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं के लिए कुछ खास टिप्स दे रही हूँ जो पहली बार मां बनने जा रही है। दोस्तों, अगर आप पहली बार मां बनने जा रही हैं, तो आपको गर्भावस्था के पहले 3 महीने से लेकर 9 महीने तक क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खाएं, क्या नहीं, इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जितनी मुंह उतनी बातें। कई लोग आपको अलग अलग सजेशन देंगे, पर सही क्या होता है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने खाने के तरीके से लेकर सोने के तरीके तक सभी में उचित बदलाव करने होते हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ कि आपको क्या क्या बदलाव करना है। पहले जो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, उससे अलग क्या करें ताकि आप और आपका शिशु दोनों स्वस्थ रहे। दोस्तों, गर्भधारण कंफर्म होते ही आपको बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिनसे आप पूरी गर्भावस्था के दौरान अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। डॉक्टर आपको बताएंगी कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन कौन सी दवाई लेनी है, अल्ट्रासाउंड कब करवाना है। जो भी डेट दें वो आप डेट पे डॉक्टर से जाके जरूर मिले। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप डॉक्टर का चुनाव करें, पहले अच्छे से पता कर लें ये डॉक्टर कैसी है। दोस्तों, गर्भधारण के बाद से ही आपको अपने खान पान में उचित बदलाव करने होंगे। पहले महीने से आप हेल्दी और पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दें। दूध, हरी सब्जियां, दालें, फल फ्रूट आदि का भरपूर सेवन करें। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में नॉनवेज ज्यादा नहीं खाएं, या खाएं ही नहीं। मछली, अंडा, ज्यादा मसालेदार भोजन, ड्राई फ्रूट्स, विटामिन सी युक्त फ्रूट, कटहल, पपीता, अनानास, अंगूर, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। ये आपके गर्भ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नशे का सेवन करती हैं, तो आपको छोड़ना होगा, क्योंकि नशा शिशु के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है और आपका तबीयत भी ठीक नहीं रहता, इसलिए नशे से दूर रहें। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान तनाव लेना किसी भी गर्भवती महिला के लिए ठीक नहीं होता। यह केवल आप पर ही नहीं, बल्कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए तनाव नहीं लें, जितना हो सके खुश रहें। अपने लाइफ के इस हसीन पल को जी भर कर एंजॉय करें, दुखी और उदास बिल्कुल भी नहीं रहें। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान खासकर अंतिम 3 महीनों में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। यात्रा करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करें तो बहुत बढ़िया। ज्यादा प्रदूषित और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाएं। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान आप जो करती हैं, आप जो देखती हैं, आप जैसी बातें करती हैं, उसका सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। शिशु का व्यवहार भी उसी तरह का हो जाता है। तो याद रहे, गर्भावस्था के दौरान लड़ाई झगड़े, हिंसक, हॉरर, क्राइम सीरियल देखने से बचें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव चीजें देखें, अच्छी बातें करें, ज्ञान की बातें पढ़ें, ताकि आपका आने वाला शिशु एक बेहतरीन इंसान बन सके।
दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान अपने सोने के तरीके को लेकर खास सावधानी बरतें। सोने के लिए हार्ड गद्दे का इस्तेमाल नहीं करें। गलत पोजीशन में ना सोएं, हमेशा आरामदायक पोजीशन में ही सोएं। सोते समय अपनी पोजीशन का ध्यान रखें। खासकर अंतिम 3 महीनों में उल्टे हाथ की तरफ सोएं, इससे शिशु पर दबाव नहीं पड़ेगा। आप हमेशा आरामदायक सॉफ्ट गद्दे पर सोएं। सोते समय पेट के आसपास दोनों पैरों के बीच में तकिया जरूर लगाएं, ताकि शिशु को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, गर्भधारण के अंतिम 3 महीनों में अपना खास ध्यान रखना होगा। इस दौरान जरा भी लापरवाही आपके शिशु के लिए और आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अपने खान पान में बदलाव करते हैं। आप इस समय दूध, दही, घी, मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं भरपूर मात्रा में सेवन करें। हरी साग सब्जियां खूब खाएं। अंडे का सेवन भी करें। इससे आपका शिशु स्वस्थ रहेगा और डिलीवरी के समय भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, गर्भ में शिशु ठीक है, शरीर में कोई कमी नहीं है, ये सब जानने के लिए आप समय समय पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते रहें और वो सारे टेस्ट कराएं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करती हैं। जो मेडिसिन देती हैं उनको आप समय पर खाएं। इससे आपको कोई भी समस्या पूरी गर्भावस्था के दौरान नहीं होगी। और अगर आप मेडिसिन को मिस करेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मां बनने जा रही हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में या गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के समय तक कोई भी दिक्कत नहीं हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।